हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो अमेजोन की एक न्यू सेल जो वापस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स आपको बहुत कम दाम में मिलने वाले। तो कौन से फ़ोन है और कैसे आपको मिल सकते हैं, इसे आज बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। बात की जाए फर्स्ट ऑफ ऑल सैमसंग कंपनी इसके जो फ़ोन्स होते हैं उनके बारे में, तो जो फर्स्ट है वो है सैमसंग का M31S, जो भी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। ये आपको 6 128 GB वेरियंट वाला देखने को मिलता है। तो इसकी जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलता है 18,500। लेकिन अगर आपके पास में सिटी बैंक या फिर बात करें ICICI बैंक या कोटक बैंक, ये तीनों बैंक अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो आपको इंस्टेंट 2500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी आपको सैमसंग का M31S 16,500 में देखने को मिलने वाला है। और अगर बात की जाए तो सैमसंग का M31, इसकी जो प्राइस है ये आपको जो है प्राइस से 2500 रुपये कम देखने को मिलेगा। और इसका जो वेरिएंट है वो 6128 है। यानी ये बहुत कमाल की बात है। अगर आपके पास के बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, तो फिर आप कैसे जुगाड़ भी लगा सकते हो, कोई दोस्त या किसी रिश्तेदार से भी मांग सकते हो। और आगे बात की जाए तो सैमसंग का M51, ये आपको 22,500 में देखने को मिलता है। इसमें आपको इंस्टेंट 3000 यानी 3000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। तो ये आपको 19,500 में देखने को मिलेगा। और जो वेरियंट है वो 6128 GB वाला वेरियंट है। और आगे बात की जाए तो सैमसंग के M51 के बारे में, तो इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपके पास जो इसकी फ़ोन की प्राइस है वो 23,000 रुपये है, और जो मॉडल है वो 6128 GB वाला है, तो इसमें आपको 1500 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। तो आपको 21,500 में फ़ोन देखने को मिल रहा है। तो और बात की जाए सैमसंग के फ़ोन बढ़िया भी है, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्लेस भी देखने को मिलते हैं। और सैमसंग के M51 में तो आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बात की जाए तो ये सैमसंग के फ़ोन से वो बहुत कमाल के, अगर आप सैमसंग लवर हो तो ये फ़ोन की तरफ आप देख सकते हो। और आगे बात की जाए रेडमी के बारे में, तो रेडमी का जो Note 9 है वो 4 64 GB वाला वेरियंट, इसमें आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। यानी अगर आपके पास में सिटी बैंक, ICICI बैंक या कोटक बैंक का आपके पास अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड हुआ, या फिर आपके पास रुपए का कोई भी डेबिट कार्ड हुआ, जैसे कि आपको बताइए कि तीन तरह के क्रेडिट कार्ड्स होते, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं जो यहाँ पे ज़्यादा मान्य होते हैं, ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है मास्टर कार्ड, सेकंड है वीजा, और थर्ड है रुपए। तो आपके पास में रुपए डेबिट कार्ड होगा ही होगा, ये 100% श्योर ही है। तो अगर बात की जाए तो 11,500 रुपये का है, और आपको अप टू 1500 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। तो आपको ये 10,000 रुपये में देखने को मिलेगा। तो किसी किस्म क्या होता है, अगर आपके पास ऑनलाइन रुपये का डेबिट कार्ड है जैसे कि कोई भी बैंक का हुआ, तो आपको उसमें कभी कभी 1000 रुपीज़ का ही कैशबैक देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको 10,000 की जगह 10,500 रुपीज़ में देखने को मिल सकता है। और आगे बात की जाए रेडमी 9 प्राइम के बारे में, तो इसकी जो प्राइस है वो 10,000 रुपये है, और इसमें आपको 64 GB वाला वेरियंट देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास में जैसे कि मैंने बताया सिटी बैंक, ICICI बैंक या कोटक बैंक, आपके पास में अगर ये सभी के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, तो आपको जो है 1000 रुपीज़ का जो इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यानी आपको ये फ़ोन 9000 रुपीज़ में देखने को मिलने वाला है। और अगर बात की जाए तो है रेडमी Note 9 Pro, अगर आपको 4 64 GB वाला वेरिएंट में, ये आपको टोटल मिला कि 11,700 में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो 4 128 GB वाला लीजिए, क्योंकि ये टोटल मिला के आपको 14,500 में देखने को मिलता है। और अगर आप पास में ये तीनों क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंक के हैं, ठीक, तो आपको इंस्टेंट 2500 रुपये डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये 12,000 रुपये में फ़ोन देखने को मिले। अगर आप 300 ज़्यादा दे दोगे तो आपको 128 GB वाला स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही फ़ोन ज़्यादा बाय करने की कोशिश कीजिए। और आगे बात कीजिए तो है Redmi 9, ये 4 64 GB वाला वेरिएंट है, और आपके पास में ये सारे जैसे मैं आपको बताया ये तीन डेबिट कार्ड, ये आपको 9000 रुपये में देखने को मिलते हैं, और इसमें 10% कैशबैक अप टू 900 रुपये तक का देखने को मिल सकता है डिस्काउंट। तो आपको 8100 यानी 8100 रुपये का देखने को मिलने वाला है। और आगे बात की जाए तो रेडमी का K20 Pro, भले ही ये फ़ोन को लॉन्च हुई 1 साल हो चुके, लेकिन आज तक भी ये क्लियर साबित निकल गया है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो ये आपको जो है 8 256 GB वाला वेरिएंट, अगर आप फ्लिपकार्ट भी जाकर चेक करते हो तो आपको 30,000 प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन अमेजोन पे आपको 24,500 में देखने को मिल रहा है, प्लस 10% डिस्काउंट के साथ में अगर आप लेते हो तो आपको पर भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपको 22-23,000 में ही फ़ोन पड़ जाएगा। तो आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप अच्छा फ़ोन देख रहे हो तो आप रेडमी K20 Pro की तरफ ज़रूर
जा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स सारे फोन्स पे बता रहा हूँ सारे के बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो आगे चलते हो वन प्लस की साइड में, तो वन प्लस का 7T जो 8 256 GB वाला वेरियंट है, इसमें आपको इंस्टेंट 5000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। यानी सिटी बैंक है, ICICI बैंक या कोटक बैंक अगर आपके पास डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है, तो टोटल मिला कि 38000 का फ़ोन है, इंस्टेंट 5000 का डिस्काउंट या आपको 33000 रुपये में फ़ोन देखने को मिलने वाला है। और अगर बात कीजिए तो वन प्लस नोट के बारे में जो भी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, या 8 128 GB वाला स्टोरेज आपको 28000 रुपये में देखने को मिलने वाला है। तो बात कीजिए 10% डिस्काउंट, तो 1500 रुपये का देखने का डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आपको 26500 में देखने को मिलने वाला है। और अगर बात की जाए तो वन प्लस 8 के बारे में जो अभी ये भी रिसेंटली ही आया है, वन प्लस 8 128 GB वाला वेरियंट, ये बेसिकली 5G है और वन प्लस नोट भी 5G फ़ोन है, तो ये आपको 55000 रुपये में देखने को मिलता है। और अगर आपके पास में ये बैंक के डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है तो आपको इंस्टेंट 1500 रुपये डिस्काउंट यानी 53500 रुपये में ये फ़ोन देखने को मिलने वाला है। और अगर बात की जाए वन प्लस 7T Pro के बारे में, तो ये आपको 8 256 GB वाला वेरियंट है, ठीक है, तो ये आपको 44000 रुपये में देखने को मिलता है, और इस पर भी आपको इंस्टेंट 5000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलता है, यानी आपको ये 39000 रुपये में ही फ़ोन देखने को मिलने वाला है। अगर बात की जाए तो नोकिया के बारे में, तो नोकिया का मुझे एक ही फ़ोन अभी दिखा है, तो नोकिया 5.3 ये आपको 12500 में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पास में सारे बैंक जैसे सिटी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर ICICI बैंक के डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है, तो आपको इंस्टेंट 2500 रुपये का कैशबैक देखने को मिल जाएगा, यानी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये फ़ोन जो आपको 10000 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाएगा, और जो वेरियंट है वो 464 GB वाला वेरियंट है। बात की जाए तो ईयरफोन्स के बारे में, तो आप मी निकबैंड जो आपको जो बेसिकली 1 ईयर हो गया होगा इसे लॉन्च हुए, तो ये 1600 रुपये में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पास में रुपये का डेबिट कार्ड है तो आप इंस्टेंट 159 यानी 160 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी 1600 का ईयरफोन आपको 1440 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और अगर बात की जाए तो रेडमी ईयरबड्स ये 1300 रुपये का है, लेकिन अगर आपके पास में वही रुपये का डेबिट कार्ड हुआ तो आपको 130 रुपये का डिस्काउंट यानी 1170 रुपये को मिल जाएगा। इसके सिवा अगर मुझे और कोई प्रोडक्ट या और कोई फ़ोन दिखते तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना हो, कोई भी फ़ोन परचेस करना हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और गाइस अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।